एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे एल्विश भाई। तो गाइस जैसे कि पता होगा कि अदनान शेक अभी बिग बॉस के घर के अंदर है। अदनान शेक के दोस्तों ने एल्विश यादव को अपने ब्लॉग वीडियो पर ट्रोल कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि एल्विश यादव ने अदनान शेक को पॉप किया था कि मुझे अभी बिग बॉस के अंदर होना चाहिए। अदनान शेक के दोस्तों ने क्या कहा है अपने ब्लॉग वीडियो पर, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए और हाँ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तुम क्या बोल रहे थे, बोलो एक बार, बोलो ना, कैसा फ्लो 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 में बोलो। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे एल्विश हाँ। तो अभी इसका एक व्लॉग हम लोग देखे कि उसमें वो बोल रहा है कि अदनान और मैं साथ में होता तो कुछ होता, क्या होता, क्या बोला उसने? ओ बोल रहा था कि अभी अदनान अंदर गया है तो ये टाइम पे मुझे भी अंदर होना चाहिए था, ये एल्विश बोला है। अच्छा ऐसा, तो अदनान बाहर आ जाता तो नकली ऑनलाइन गैंगस्टर मालूम, अपने सामने तो लगे भी नहीं, फुस है भाई, फुस। कैमरे के सामने बैठ के बस बातें करे हुए, बहुत मजा आती है बोल रहा है। तो बहुत मजा आती है उसको, बट मजा तो आती है। देखो नहीं मालूम कि वो बाहर क्यों आता, मैं बताता हूँ, वो बाहर इसलिए आता क्योंकि वो तेरे को चेक कर देता ब्रो। चेक करने के बाद तो बाहर आना ही पड़ता है ना, इसके लिए वो बाहर आता, समझा? फिर उसके बाद क्या होता, ऑलरेडी हैंग है सिस्टम, सिस्टम कुछ होता नहीं है, सिस्टम होता ना तो हैंग नहीं होता। आपको पता ही होगा कि टिकटॉकर और यूट्यूबर का कंट्रोवर्सी बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। अब देखते हैं कि एल्विश यादव का रिप्लाई कब तक आता है इस पर।